वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, डायबिटीज हो नहीं जाता है, डायबिटीज तुम करते हो। तो आप ये मत कहा करो मुझे डायबिटीज हो गया, तुम कहा करो चिंता करके, संयम न रख के, आसन न करके मैंने खुद को डायबिटीज किया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पीपल से हो गया है, भाई हो गया है, ये कोई बच्चा है जो पैदा हो गया है? बच्चा भी पैदा होता नहीं, बच्चा भी पैदा किया जाता है। कोई स्त्री पुरुष मेहनत करते हैं तो बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही पैदा हो जाएगा। डायबिटीज ऐसे ही हो गया तुमको। कोई कहता है मेरे घुटने अब चलते नहीं, पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गए। नहीं ये मत कहा करो घुटने खराब, कहो मैंने अपने घुटने खराब किए हैं। कुछ तो जिम्मेदारी उठाओ, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। लोग कहते हैं मुझे नींद आती नहीं है, आती नहीं है ये मत कहो, बोलो मैं व्यर्थ की चिंता कर करके अपनी नींद को भगा दिया है। और हैरानी मुझे तब होती है जब गृहस्थी कहे ना नींद नहीं आती, मैं समझती हूं बेचारा काम के बोझ का मारा, चार चार बच्चे, तीन तीन बच्चे, सिर पे कर्जे, बच्चे कर्जे कर्जे बच्चे, कितने बच्चे, बच्चों के कितने कर्जे, चुकाते चुकाते बेचारे की हालत खराब हो जाती। सोच सोच के सोते कैसे, फिर सोएंगे कैसे, नींद चली जाती। पर जिसकी शादी ना हुई हो, जो साधु जीवन जीने के लिए लगा हो, साधना करूंगा ऐसा सोच रहा हो, और वो कहे मुझे नींद नहीं आती, मैं बिल्कुल बेहाल हो जाती हूँ सुन के, हाउ इज इट पॉसिबल? पर फिर ब्याहता कि कुमारा, साधु या ग्रस्त, अगर मन चिंताशील है तो शरीर रोगी हो ही जाएगा। अब देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रही हूं तुम सब पे, मुझे पता मैं सबका दिल दुखा रही हूं ये बोल बोल के, बट ट्रूथ इज ट्रूथ। बट यू नो वट वट आई एम सेइंग, इन दिस वेरी प्रॉब्लम कम्स द सोल्यूशन ऑल्सो। जिस मन को चिंता की बीमारी देके हमने अपनी नींद गवाई, मतलब हमारे मन ने हमारी नींद गवाई है, अगर इसी मन को हम चिंता मुक्त कर दें तो नींद बड़ी सुंदर वापस आ जाएगी। तो ये मत कहा करो मेरी नींद चली गई, कहा करो मैंने भगा दी। कल एक डॉक्टर हैं यूपी से आई हैं शिविर के लिए, वो मुझे कह रही थी मुझे ना डायबिटीज हो गया है। मैंने कहा तू वो छोड़, तो ये बता चिंता क्या, किस बात की चिंता लगी है तुझे? अब जब किसी को बोलो ना तुम्हें चिंता क्या लगी, क्या जवाब होगा? हाँ, आपको कोई कहे कि आपको कोई चिंता है तो आपका क्या जवाब होता है? कोई भी नहीं, यही बोलते हो ना, तो वो भी तो यही बोली। पर ये बात झूठ है कि सच? तो तुम स्वीकार करते हो ना कि तुम झूठे हो? क्या आप स्वीकार करते हो कि आप झूठे हो? फिर तो झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोलने वाले को कौआ काटेगा, कौन सा कौआ? दुख का। कौन सा कौआ? दुख का। दुख क्या है? मैंने कहा ये बता। संजोग वशात एक और महिला से बात हो रही थी, वो भी कहती मैं 15 साल से डिप्रेशन में हूं, नींद की गोली खाती हूं। मैंने कहा वो छोड़, ये बता दुख क्या है? वो कहती मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी, कहीं से गुजर रहे थे, ऊपर से कहीं से ईंट आई, सिर में लगी, मर गए। डायबिटीज
That's how death comes. Death doesn't come with great planning, death just comes. So any place can be a death place and any time can be a death time. बोले जब से ऐसा हुआ उसके बाद से मेरी नींद गई और बहुत दुख में चली गई, डिप्रेशन हो गया. जबकि उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, एक परिवार में हैं. देखने शरीर देखेंगे तो बड़ा मोटा है, कोई दूर से कहेगा कि तो बड़ी खाती पीती मोटी है. यू नो व्हाट, जब आपका मन दुख में होता है तो फॉल्स हंगर होने लग जाती. मन खाली है, दुख में है. अब वो मन के इस खालीपन को समझ नहीं पाते हैं तो शरीर को भरते रहते कि जैसे पेट भर जाएगा तो शायद मन भी भर जाएगा. इस कारण से वो अधिक खाने लग जाते हैं. इसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग. भूख नहीं है पर फिर भी खा रहा है. और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे तुम्हारा ही मन कहते क्या करना जी के, मर जा शरीर तू. ऐसे सीधा नहीं बोलता पर सब कॉन्शियसली उसकी ये गेम चलती है. तो आदमी गलत खाता है, गलत सोचता है, बुरी चीजें सोचता रहेगा. अच्छी चीजें भूलती हैं, अच्छी चीजें याद भी नहीं रहेंगी. बुरी बुरी बातें, दुख की बातें, वही बातें याद कराता रहेगा. नकली भूख लगती रहेगी, व्यर्थ का खाता रहेगा, व्यर्थ का सोचता रहेगा. और उसका ही मन उसके ही शरीर को रोगी करके और मारने का इंतजाम कर रहा होता. नाउ द पॉइंट इज दिस, द माइंड विच इज मेकिंग योर बॉडी सिक, this very mind can be made to work in such a way that this body becomes healthy. Dukh aata nahi hai, hum banate hain. Apne agyan ki wajah se banate hain. Apni bhool se banate hain. Aur kisi na kisi ek tal par tumhara hi man इस शरीर के साथ ज्यादा रहना भी नहीं चाहता. यह अज्ञान का कुचक्र है. इसीलिए पहले फंसाता है शरीर में आसक्ति बना के. लगता है ये मैं ही हूं. तो अपनी इंद्रियों को सुखी करने का इंतजाम सोचता है, अपने शरीर को सुखी करने का इंतजाम सोचता है. तो अति भोग में चला जाता है. और जब भोग की अति होगी तो फिर रोग हो जाता है. जब रोग होता है तो कष्ट होता है. तो पहली बात आज की ये समझिए कि रोग आते नहीं हैं, रोग हम बनाते हैं. यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मत कहिए मुझे डायबिटीज हुआ, कहो मैंने किया. किसी के पिता की मृत्यु हुई इसलिए, किसी की माँ की मृत्यु हुई इसलिए, किसी के माँ पिता ने बच्चे को ही छोड़ दिया इसलिए, किसी स्त्री का बच्चा नहीं हुआ, गर्भपात होते रहे, 3, 4, 5 गर्भपात हो गए, टिका ही नहीं, हर बार भ्रूण बह गया, भीतर दुख 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 इकट्ठा होता गया. ये जितना दुख हमारे अंदर इकट्ठा होता जाता है, ये मन के अंदर के आए हुए घाव, ये मन के अंदर आए हुए दुख और पीड़ा के घाव, ये तुम्हारे जीवन से खुशी को ले जाता है. तो आप बाहर से मुस्कुराते हो, बातें करते हो, खाते भी हो, चलते भी हो, फिरते भी हो, लेकिन भीतर भीतर अगर मन दुख में है तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा या हो गया है. तो पॉइंट इज, इसे ऐसे ही चलाना है या इसको ठीक करना है.